एहसास जो है पूरा का पूरा बदल चुका है क्योंकि बस ने पहाड़ों में एंट्री ले ली। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा उन अनजानी राहों में, नदी के साथ वादियों की पनाहों में। ये जो सिक्किम है ना दोस्त, कई सारे किस्से अपने में छुपा के बैठी है। चलते हैं इससे पूछते हैं सब भारी भारी से। ये आ गया है STC बस स्टैंड, यहाँ से बस पता करते हैं जाने के लिए कौन सी जाएगी। दार्जिलिंग नहीं गैंगटॉक। सिलीगुड़ी का दोस्तों ये जो बस टर्मिनस है ना, थोड़ा सा समझने में मुश्किल है आपको। अगर यहाँ से दार्जिलिंग या गैंगटॉक जाना है ना, तो मेरी तरह सबसे लंबी लाइन ढूंढो और उसमें लग जाओ। थोड़ी मेहनत करने के बाद जो सुंदर सी छोटी सी बस का विंडो सीट वाला जो टिकट हाथ आएगा ना, सुकून उसे कहते हैं दोस्त। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये जाएगी सिलीगुड़ी से गैंगटॉक के लिए। इस बस का टिकट को लेने के लिए जो मेहनत करनी पड़ी है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। 1.5 घंटे तक हम लोग क्यू में लगे रहे, 1.5 घंटे के बाद में बड़ी मुश्किल से सीट मिली। इसका 200 रुपये टिकट है एक साइड का, एक जने का, और ये बस 12:20 पे छूटेगी। तो 2 घंटा तो हमको इसी में लग गया कि भाई इसमें सीट बुक कर लें। बस थोड़ी देर में बस शुरू होगी और बस में बैठ के नज़ारे देखते हुए कोशिश करेंगे जाएंगे। गर्मी बहुत है, भूख बहुत लग रही है, कुछ खाएंगे भी। मुझसे किसी ने कहा था कि वेस्ट बंगाल आइएगा तो झालमुरी ज़रूर खाइएगा। अब मुझे ये अंकल जी मुस्कुराते हुए जो भी बना के दे रहे हैं ना, मैं उसे झालमुरी समझ के खाने वाला हूँ। 10 रुपये में दे रहे थे, मैंने 20 रुपये में एक एक्स्ट्रा चमचा रखवा लिया, क्योंकि 20 रुपये में आप मैकडी का बर्गर तो नहीं पर अंकल जी को मुस्कुराहट दे सकते हैं और हाँ झालमुरी तो खा ही सकते हैं। तो भाई फाइनली यहाँ से 1.5 घंटा और लगा के एक्स्ट्रा अब चालू हुई है बस चलने के लिए गैंगटॉक। मौसम भी अच्छा, नज़ारे भी अच्छे, और 4 घंटे में पहुँचेंगे गैंगटॉक। और हमारी बस जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सरकनी स्टार्ट हो गई है। खचाखच भरी बस जिन रास्तों से गुजरने वाली है ना, उसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, AKA चिकन नेक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि दोस्त ये कॉरिडोर शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर विद ईस्ट में भूटान, वेस्ट में नेपाल, नॉर्थ में चाइना एंड साउथ में बांग्लादेश। तो अगर सिक्योरिटी में यहाँ ज़रा भी चूक हुई तो सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आइसोलेट हो सकता है। मौसम बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, और हमारे अंदर की जो एहसास था वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। पहाड़ों में हमारी बस ने जो है एंट्री ले ली है, चढ़े जा रही है ऊपर, और हमारे साइड में अब दिखा नहीं सकता क्योंकि बस के साइड बैठा हूँ, उस तरफ बह रही है तीसा नदी। इस पूरे माहौल के साथ में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ये आप लोगों को दिखाई दे रही है हमारे क्या भाई और तीसा नदी। बहुत सुना था, बहुत पढ़ा था किताबों में, फाइनली सामने देखने मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर फ्लो कितना ज़्यादा तेज़ है, यही वजह है कि इस तरफ राफ्टिंग के लिए काफ़ी लोग तैयार खड़े हुए हैं। तो बस जब से चलना शुरू किया जलपाईगुड़ी से तीस्ता नदी के किनारे, जैसे मैंने बताया, अब आके कालिम्पोंग में रुकी है। कालिम्पोंग में एक छोटा सा ढाबा या ऐसे रेस्टोरेंट कुछ भी कह सकते हैं हम, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे जो कि अभी तक सुबह से प्रॉपरली कुछ खाया नहीं है। पहाड़ों में जा रहे हो, रास्ते में दाल रोटी खाने का प्लान तो नहीं है? ये पाप है दोस्त। मोमोज, मैगी, वाई नूडल्स, यहाँ के इनको टेस्ट नहीं किया ना तो पहाड़ों का असली जायका नहीं लिया। हाँ नूडल अच्छा था, मोमोज भी अच्छे थे। सिक्किम ना दोस्तों 1975 तक भारत देश का हिस्सा ही नहीं हुआ करता था। पहली बार कोई हिस्सा भारत से आके जुड़ा और देश की सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट बन गया। वैसे तो सिक्किम एंटर होने के लिए आपको कोई परमिट नहीं चाहिए जैसे नागालैंड मणिपुर में लगता है, पर हाँ कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं जहाँ जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ सकता है। परमिट वगैरह छोड़ो यार, अभी नज़ारे इन्जॉय करते हैं। सिक्किम में तो बहुत पहले एंटर कर लिए थे हम, रानीपुर करके गांव है वो आया है, और भाई नज़ारे मतलब वो तो मैं जितना कम बोलूँ उतना, जितना ज़्यादा बोलूँ उतना कम है, सॉरी। कितना भी थके हो भले ही मज़ा बहुत आता है। चलो आपको शहर दिखाते हैं वाला, रानीपुर कैसा शहर है। स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे टाउन भी इतने बढ़िया बने हुए हैं यहाँ। अरे डोमिनोज हमारे शहर में नहीं है भाई, लंका यहाँ पे डोमिनोज है, मस्त जगह है भाई।
एकदम बोले तो बिंदास। और जो गर्मी ये गाड़ी गैंगटॉक पे नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है? ये भूटान 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 उधर जाएंगे। जितनी गर्मी थी, हालत थी खराब थी, पसीना पसीना हो रखा था सिलीगुड़ी में। अभी बस चल नहीं रही थी, बट अभी हालात बदल चुके हैं, जज्बात पलट चुके हैं। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से, बस अब यही बना रहे हैं क्योंकि गर्मी को छोड़ के आना ही तो मकसद सबसे बड़ा था, और वो चीज़ अभी दूर हो चुकी है। दिल खुश है, हम खुश हैं, मज़े आ रहे हैं, आपको भी मज़े देंगे। चलिए आगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक जो गैंगटॉक है उसका एक्सटेंशन पर उतर गए थे, बस ने वहाँ छोड़ दिया था। बस हालांकि जाने वाली थी आगे गैंगटॉक तक, बट थोड़ा टाइम लगा थी, लोकल पैसेंजर्स ने बोला। वहाँ उतर गए हम लोगों ने, फिर ये जो कैब है ये कर लिया, 150 में हमको पहुँचा दिया मॉल रोड पे गैंगटॉक की। और भैया से भी बात हुई, भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे फ़ाइन हैं रोड पे। आप अगर थूक देते हो उसका तो फ़ाइन ठीक है, अगर किसी ने पीछे से हॉर्न कर दिया है ना, हॉर्न करने के बाद भी यहाँ पे भाई फ़ाइन लग जाता है। तो साइट सीइंग के लिए अगर आपको रुकना है तो 20 rupees एज अ फीस देनी होती है, तो आप इस फाइन से बच जाते हो, ऐसा है ना। आपका नाम क्या भैया? मेरा काशी लेप्चा। काशी लेप्चा भैया का नाम है जो हमको पहुँचाने वाले हैं अभी गैंगटॉक के मॉल रोड तक। गैंगटॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं महात्मा गांधी मार्ग को ना बार बार मॉल रोड कहूँगा, उसके लिए मुझे माफ़ करना। असल में लेह और मनाली जाके मेरे दिमाग में मॉल रोड सेट हो गया है। एनीवेज रही बात गैंगटॉक की, गैंगटॉक शहर हम फिर कभी तसल्ली से देखेंगे। फिलहाल 2 दिन से जो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं ना, उसे रोकते हैं और एक होटल लेते हैं और चिल मारते हैं। गैंगटॉक के मॉल रोड पे आके यहाँ पे लिया है होटल, और ये होटल जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये है 2400 rupees में, उन्होंने डिस्काउंट लगा के जो भी बात की है वो हुआ है। ये मॉल रोड के बिल्कुल ही पास है बस। पता है नई ज़िंदगी कैसे कहते हैं? नई ज़िंदगी उसे कहते हैं जब अपने सर के ऊपर ना दो लोटे पानी डाल लेते हैं, ज़िंदगी पूरी की पूरी 180 degrees से घूम जाती है, बदल जाती है। और अभी मैं बाहर जाऊँगा, घूमूंगा फिरूंगा थोड़ा बहुत, थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा। आज ये जो व्लॉग है इसमें मैं ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं करूँगा, हम नेक्स्ट व्लॉग में आगे की जर्नी इंक्लूड करेंगे। कल सुबह 8:30 मुझे बाइक वाले भैया के पास जाना है, उनसे बाइक लेनी है, और 9 हम लोगों को अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना है क्योंकि नॉर्थ सिक्किम में है। और उसका एक्सपीरियंस जो होगा वो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, उसकी पूरी वाइब जो होगी वो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, आप लोगों को ऐसा समझ आया हो कि नहीं भाई हमारे हाथ में भी अगर इतना कम पैसा है और उसमें इतना सारा इन्जॉयमेंट हम अगर कर सकते हैं, मेरे वीडियो की को देख कर अगर आपको ये हेल्प मिलती है, तो भैया चैनल को सिर्फ लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों यारों में, तो उससे जो है मोटिवेशन हमें मिलेगा और आगे की जर्नी आपको ज़रूर दिखाई जाएगी। आप लोग बने रहे हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लव यू एंड टेक केयर। बाय बाय।